हेलो, आप सबका स्ट्रीमर्स पे पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबको ट्रेंडिंग करना सिखाऊंगी। अब जैसे आप सबको पता है, इंडिया में बहुत ज्यादा मीम की ट्रेंड चला हुआ है एंड दे आर लाइक, अब कोई ब्यूटी पार्लर कैसे जाएगा, अब जब बाहर निकलेंगे, क्वारंटाइन पीरियड खत्म होगा तो सबके असली रूप नजर आएंगे। तो अगर आप उन सबसे बचना चाहते हैं, इस ब्लॉग में सीखिए कि आखिर अपने आईब्रो के जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो कैसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं मेरे आईब्रो में एक्स्ट्रा बाल हैं जो आज हम निकालेंगे। मैं आपको चश्मा उतार के दिखाती हूँ, देखिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आईब्रो के बाल कैसे निकालेंगे। तो हमें उसके लिए चाहिए कॉटन का थ्रेड, एक हमने ली है आईब्रो की कॉम्ब, एक सीजर, एक ट्विजर लिया है, एक ऑब्वियसली वन मिरर, इट्स कंपल्सरी, वरना आप अपने आप को निहारेंगे कैसे निकालते हुए। तो अब हम थ्रेड को अपने हैंड स्पैन के अकॉर्डिंगली लेंगे और उसे काट देंगे। फिर उसमें ऐसे गांठ बांध लेंगे, ये देखिए ऐसे, और उसे फिर हम ऐसे बटे देंगे ऐसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाल फंसाएंगे और इसको इस तरफ कर देंगे, तो वो बाल निकल गए। फिर हम यहाँ पे फंसाएंगे, इस तरफ करेंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब हम इन बालों को निकालेंगे, जैसा आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बाल हैं जिनको हमने नहीं निकालना है, उनको अपने कॉम्ब से ऊपर कर देंगे ऐसे, जिससे हमें ये कोने के भी जो छोटे छोटे बाल हैं वो नजर आ जाएंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। और फिर हम अपना थ्रेड चलाएंगे। अब हमने जैसे ये बाल निकालने हैं तो हमने अपना ऐसे चलाएंगे, हम राइट टू लेफ्ट लेके जाएंगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के जो है उसमें बाल अटकाया हमने। आप देख सकते हैं कैसे वो अटक चुका है, और अब हम उसे खींचेंगे, फिर से अटकाएंगे, खींचेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें फंसे हुए हैं, आपको शायद नजर आए ऐसे, यहाँ पे देखिए बाल है, एक आया होगा आपको नजर। और हम ऐसे ही करते करते अपनी पूरी आईब्रो को ठीक करेंगे। डोंट फॉरगेट कि आपको जितना बड़ा आंख कर सकते हैं उतनी बड़ी आंख कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी उसी तरह से मसल्स जो है आंख के पास वाली स्ट्रेच होंगी। अगर आपको लगे कि आपका मांस आने वाला है बीच में, देन यू शुड पुल इट, अपने आप से दूर कीजिए धागे को, तो वो आराम से निकल जाता है। हाँ, तो आपको अगर लगे कि आपकी मांस साथ में आ रहा है व्हेन यू आर थ्रेडिंग, तो आप अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाइएगा, उससे क्या होगा, आपकी मसल स्ट्रेच हो जाएगी, वहां का एरिया स्ट्रेच हो जाएगा, जिसमें आराम होएगा। और अगर आपको लगे कि आपका मांस बीच में आ रहा है ऐसे, तो फिर आप उसको अपने आप से दूर लेके जाइएगा थ्रेड को, तो वो आराम से निकल जाएंगे। सेम वे जब हम लेफ्ट के लिए करेंगे, तो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे ऐसे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ।
तो जिस तरफ बाल की ग्रोथ होती है उसके ऑपोजिट साइड हम उसको खींचते हैं ऐसे। अगर आप पहली बार में आईब्रो नहा करना चाहते हो पर आपको थ्रेड चलाने की प्रैक्टिस करनी हो तो आप अपने पैर के बालों पे कर सकते हैं, और आप फॉरहेड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ऐसे। अब जो ये बाल आ रहे हैं उनको हम वापस से पीछे करेंगे क्योंकि हमें उनको नहीं उखाड़ना है। अब हम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अनइवन है तो हम पहले इसको इक्वल करेंगे। तो हम कैंची से उसको काटेंगे जो अनइवन पोर्शन है। तो मैं क्या कर रही हूँ, ये कॉम ले रही हूँ ताकि मेरे जो मुझे चाहिए बाल वो ना कटे ऐसे, और देन आई विल कट इट। तो अब यहाँ पे जो एक दो बाल बच गए हैं जो हम थ्रेड से नहीं निकाल पाए उसको हम ट्विजर से पकड़ के निकालेंगे ऐसे। अब आप देख सकते हैं हमारी आईब्रो बन के तैयार हो गई है। और अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरा पहला फर्स्ट ट्राई था आईब्रो थ्रेड करने का। मैंने अभी तक अपनी मम्मी को देखा था कि वो कैसे चला रही हैं। अब उससे इंस्पायर होके मैंने अपने ऊपर ट्राई किया। सिंस आई वाज स्केर्ड कि अपने टॉपिक के बाल हटाने में, तो आई डायरेक्टली ट्राइड ऑन माई आईब्रो। और जाते जाते इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।